हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। इट्स मी समा फ्रॉम नेपाल। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और खाना पीना भी पक गया है। आज क्या बनाए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए तो किचन, कहाँ गया मेरा किचन, छोटा सा किचन। और पता है सुबह सुबह आज जैनम ने इतना मूड ख़राब किया है, देखिए खाना पक रहा है। बस जैनब और मैं है ना, अकेले हैं दोनों, इसलिए एक छोटा सा जग में खाना बनाती हूँ और दोनों के लिए पूरा परफेक्ट हो जाता है। ज़्यादा भी नहीं और कम नहीं, मस्त है। और आज सब्जी क्या बनाए, वाओ चिकन ख़त्म कर ली। मखमा भी भाई बोल रही है। और जो राइस कुकर था उसको मैंने साइड लगा दिया है, बड़ा हो रहा था दोनों के लिए, इसलिए छोटा सा बोले कहें जैना बेचारा। मैंने कैसे आज सुबह सुबह उसको पूरा ठोक दिया। गुस्सा गुस्सा में उसको मार देती हूँ और उसके बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हर माँ का यही प्रॉब्लम है। चलो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह अब से नहीं मारूंगी उसको ज़्यादा। ये पूरा एक घंटा हो चुका था, हम बोले कि लिखो लिखो अच्छे से लिखो, तो आके देखे ना तो दो लाइन की दो लाइन नहीं तीन और लिख के बैठी थी, तो एक बार मार दिए और अभी पछतावा हो रहा है। फिर कोई नहीं, अब से नहीं मारेंगे इंशाल्लाह। और अभी उसको रेडी करूँगी, कंगी वंगी खाना पीना सब करके इसको भेज दूंगी। कहीं जाने है ना, कहीं जाने है ना। आज उसको दूसरी तरह से चुटी बना दूंगी, ऐसे दोनों तरफ ऐसे बिल्कुल भी उसके फेस में सूट नहीं कर रहा था। कल बना दी लेकिन थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा था उसका फेस, बॉयज टाइप का ऐसे नहीं बॉयज टाइप का, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी। उसका फेस में ना मतलब ऐसे एक चुटी वाला अच्छा दिखता है, बना के दिखाती हूँ। देखिए अभी आता है रजाई ना। अब मैं कंगी कर देती हूँ उसके फेस के लिए, ये वाला डिजाइन मस्त दिखता है। आता है रसानी, आता है रा जैनब, आता है रा ना। अभी स्कूल जाने के लिए पूरा टोटली रेडी, अब मैं जा रही हूँ उसको पहुँचाने। सो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिएगा। आमीन। आमीन।